दिनों से बार बार छापे पड़ रहे हैं और ऐसी खबरें आ रही हैं कि जेल में अवैध रूप से चीज़ें हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? अवैध असलाह की कभी बात सुनी भी नहीं मैंने और ना ही अखबार में भी है। हाँ, मतलब यहाँ के बारे में ज़रूर प्रचलित था कि मोबाइल यहाँ चलते हैं, लेकिन मैं जब 1 दिसंबर 2018 जब से मैंने प्रभार ग्रहण किया है तब से मेरा केवल एक ही मुहिम है कि मैं इस जेल को भी जैसा सरकार चाह रही समाज को अपराध मुक्त बनाए, वैसा ही मैंने इस जेल को भी और अन्य जेलों को भी मैंने किया है, इस जेल को भी, कि ये मोबाइल युक्त हो जाए और यहाँ से कतई भी कोई भी अपराधी बाहर अपने असामाजिक तत्वों से किसी प्रकार का संपर्क न रख पाए। बार बार छापे पड़ रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कुछ ना कुछ मिल रहा है हर बार, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? छापे तो शासन की मंशा है, शासन की मंशा के अनुसार हर जेलों पर छापे पड़ रहे हैं, जब भी यहाँ छापे पड़े अन्य जेलों पर भी पड़े, और कुछ अब इसमें कोई संदेह नहीं, कुछ प्रतिबंधित वस्तुएँ मिली, हाँ, लेकिन वो इतनी इस कारागार की स्थिति देखते हुए वो इतनी मात्रा में नहीं कही जाती है। हाँ, हम प्रयास पूरा कर रहे हैं, वो जो भी हमारे यहाँ 5 मोबाइल पिछली पहली तरह से मिले वो ऐसी जगह मिले जहाँ कोई बंदी नहीं रहता है, और बहुत पुराने मोबाइल भी रहे होंगे बिना सिम के पड़े हुए थे, प्रयोग नहीं हो रहे थे। दोबारा जब फिर छापा कल पड़ा है तो उसमें सबसे अच्छी बात यही रही कि एक भी मोबाइल या मोबाइल से रिलेटेड एक्सेसरीज किसी भी कहीं किसी पार्ट में नहीं मिला। हाँ, कुछ वस्तुएं मिली, जैसे लाइटर की बात हुई, तो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि अब लाइटर भी ना बरामद हो, लेकिन चूंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे बीड़ी और सिगरेट, ये अलाउड है, जेल मैनुअल में भी अलाउड है, तो उसको जलाने के लिए ये रख लेते हैं, लेकिन अब वो कोशिश करेंगे कि वो भी उसका भी कोई सब्स्टिट्यूट हो और वो ना मिलने पाओ। ताश की पत्तियाँ, ये प्लेइंग कार्ड्स हैं और ये अलाउड है इंडोर गेम में, इसके द्वारा जुआ खेलने की बात जो आती है वो बिल्कुल गलत है, यहाँ जुआ भी कोई बंदी नहीं खेल सकता। आपके हिसाब से अपनी जेल की सुरक्षा के लिए क्या चाक चौबंदी व्यवस्थाएँ हमारी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी प्रॉब्लम्स हैं मैन पावर की, सुरक्षाकर्मी 60% कम है, अधिकारी हमारे जेलर की, यहाँ 3 पद हैं किंतु 2 ही पदस्थ हैं, डिप्टी जेलर्स के 14 पद हैं लेकिन केवल 5 पदस्थ हैं, इस तरह से हमें हमारे सुरक्षा कर्मियों की बहुत कमी है, फिर भी हमें जो उपलब्ध हमारे पास संसाधन है उनका भरपूर उपयोग करते हुए मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि हमारे कारागार से संचालित हो सके और किसी भी अवैध वस्तु का प्रयोग हमारे बंदी न करें। बिल्कुल, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट का हमारे यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम बहुत पहले से चलता है। यहाँ पर लौह कास्ट फैक्ट्री है जिसमें लगभग 150 हमारे बंदी काम करते हैं, उनको वेजेस दिया जाता है और तरह तरह के फर्नीचर निर्मित होते हैं जो माननीय न्यायालयों, माननीय उच्च न्यायालयों के निर्देश से पूरे उत्तर प्रदेश में भेजी जाती हैं, और इसके साथ दरी का निर्माण हमारे यहाँ होता है, कंबल फैक्ट्री है, कंबल का निर्माण होता है, कुछ और उद्योग है, गौशाला भी है, मतलब दुग्ध उत्पादन, इन्हीं ये सब में बंदी ही कार्य करते हैं, कहीं खेती भी बंदी के द्वारा ही कराई जाती है, पाकशाला में भी काम करते हैं और सबको निर्धारित भेज दिया जाता है। ये सुधार के बहुत अच्छे कार्यक्रम पूरा कितना परसेंट यहाँ पे बंदी इस कार्यों में लगते हैं? नहीं, हम तो 6 महीने से हैं जी। हाँ, लेकिन लगभग मैं कह सकता हूँ कि 20% बंदी इस काम में लगे हुए हैं। इसके अलावा इनकी खाने पीने की क्या व्यवस्था होती है, क्योंकि बार बार जिस तरीके से चाकू पकड़े जा रहे हैं वो हो रहे हैं, इसके विषय में कुछ बताएं? वो चाकू ना होकर जो हम लोग इनको पानी पीने के लिए मग देते हैं स्टील का, वो उसी के हैंडल को तोड़ करके उसको घिस करके और उसी का कट्टन बना लेते हैं, जिससे कि प्याज टमाटर या सब्जियां काटने का काम लाते हैं और फल उल भी उसी से काटते हैं, लेकिन वो भी हम कोशिश करेंगे कि उसका भी कोई तरीका निकले और ये भी एकदम से समाप्त कर दें। डॉक्टर्स भी हैं सुबह चेकिंग? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ, 3 चिकित्सा अधिकारी हैं, खेलों की इनके इंडोर गेम्स की व्यवस्था है और ये अपना वॉलीबॉल भी खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं, इंडोर गेम्स में जैसे आपका कैरम हुआ, चेस हुआ, प्लेइंग कार्ड्स हुए,
ये सब भी बंद खेलते हैं। क्या कुल मिला के एक तरीके से अफवाहें उड़ाई जा रही हैं नैनी जेल को बदनाम करने के लिए कि जो है यहाँ पे जो शातिर कृषि अपराधी हैं उन पर शिकंजा हमने कसा है, उन पर कड़ाई की है, उनकी अवैध गतिविधियों को बिल्कुल रोक दिया है। तो स्वाभाविक रूप से उनके जो बाहर असामाजिक तत्व दोस्त हैं वन वाइड हैं और वो चाहते हैं कि मैं यहाँ से जल्दी मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, और जिस वजह से ये तमाम तरह की अफवाहें उनके द्वारा प्रसारित की जा रही हैं और जिसमें हमारा ट्रांसफ़र हो जाए तो आराम से यहाँ हो सकता है वो सोच रहे हों कि ये सुविधाएं मैं हासिल कर पाऊँगा, और कुछ नहीं कहना है इसके बारे में।